हाँ जी, हुण आपां करन लगे हां एक्सरसाइज 11 सी। सो थोड़ी जी इहदी आपां इंट्रो करदे हां। इंट्रो मीनस कि इहदे विच आपां की कुछ पढ़ांगे। सो एक्सरसाइज 11 सी विच तीन तरह के सवाल ने, मतलब थ्री टाइप के सवाल ने। ठीक है, सो दो जो आ दोनों टाइप है, ये दोनों टाइप की है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट टाइप कही है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, कि मीन अपने को एक लाइन की बना है। ठीक है, इतने कोई लाइन इस तरह, इतने भी पॉइंट होगा। सो इस पॉइंट तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है फाइंड करना है। ठीक है, पहला फर्स्ट टाइप अपनी ए वाली है। सेकंड टाइप की है कि फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, सो जी सेकंड टाइप है ए की है पार्ट ऑफ टाइप फर्स्ट, मीन ये मोस्टली फर्स्ट टाइप की यूज होगी। वो मोस्टली इमेज की है कि अपने को लाइन की होना है ना, सेम इसी तरह आ पॉइंट की होना है। सो इस पॉइंट की सेम इस थान से की है इमेज फाइंड करनी है वाली, इमेज इस पॉइंट की। ठीक है, सो टाइप थर्ड कड़ी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा। सो थर्ड टाइप की है फर्स्ट टाइप तो, मतलब फर्स्ट टाइप तो सॉल्व होगी, मीन उवें अपने को लाइन क्यों होगी वाली, इतने का पॉइंट होगा। सो फर्स्ट टाइप के आप इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया ना, पॉइंट को पी मनो तो आ पॉइंट एम मनो। ठीक है, फर्स्ट में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया। सो थर्ड में करना है जी आप पी एम लाइन बनी वाली, यदि इक्वेशन फाइंड करनी है, वो वाली इक्वेशन जी कि पॉइंटा तो यदि लाइन के उपर की है परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ये तीन तरह सवाल पढ़ने हैं, मैं तीन तरह सवाल आप करने हैं। सो एक अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जी अपने तीन पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू तो जेड टू। सो डिस्टेंस फॉर्मूला की होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर तो होल अंडर रूट। ठीक है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक अपन पता होना चाहिए मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट की होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, जेड वन प्लस जेड टू बाय टू। ठीक है, एक अपन ए फॉर्मूले बारे पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले की अपने बेसिक फॉर्मूले है, तो ये दोनों की टाइप फर्स्ट तो सैकेंड दोनों यूजफुल है, दोनों अप्लाई करा। ठीक है, सो 11 सी ये तीन तरह सवाल ने, तो फस्ट टाइप सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फस्ट टाइप आप समझ आऊगी तो आ दोनों टाइप के ईजी समझ आ जानी है। ठीक है, मतलब फस्ट टाइप के जो स्टैप है ना, फस्ट टाइप वाले जो स्टैप है वो इन दोनों च रिपीट होंगे। ओके, सो देखो फस्ट टाइप अपनी कही है वाली है। हाँ जी, 11 सी एक्सरसाइज है। सो टाइप फस्ट बारे आप जो ये मैथड है वो बारे गल करते हैं। सो जो मैथड ना वो फिक्स ही है, एक मैथड जो रूल है ना वो फिक्स है, तो अपना स्टैप की याद ही रखने, मैथड में सॉल्व किमें करना है, मीन सामू सॉल्व किमें करना है, स्टैप ना वो याद रखने है। ठीक है, सो फस्ट आप इन बारे गल करते हैं, तो ये आप एक सवाल करा कि अपने को लाइन की बना है तो एक पॉइंट की बना है। इस तरह देखियो आ कोई लाइन है बी सी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन की है एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी, है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। इतने कोई पॉइंट है पी अल्फा बीटा गामा इत। ठीक है जी, तो हम आप इस पॉइंट तो इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो ये लाइन की इक्वेशन है ना, सो फर्स्ट स्टेप अपना की होगा कि पुट लाइन इज इक्वल टू के, मीन जी ये लाइन की इक्वेशन ना इनू इज इक्वल टू के पुट कर दो। ठीक है, हुण आप के इक्वल टू पुट करके एक्स वाई जेड की ओ वैल्यू फाइंड करांगे जी इस लाइन के उपर की लाई कर रही होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड की ओ वैल्यू फाइंड करनी है जी लाइन के उपर की है लाइज ऑन लाइन।
ठीक है। सो देखो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू के पुट करा, इतने पर लेते हैं एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू के। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, ए के प्लस एक्स वन। सो स्टेप सेकेंड अपना की देखियो कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन फॉर्म ऑफ के, ठीक है। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी इन फॉर्म ऑफ के, जिमें किया हुआ इस तरह। सो की आनी अपनी वैल्यू, जिमें कि ए के प्लस एक्स वन, बी के प्लस वाई वन, सी के प्लस जेड वन। मीन ये वो वाले पॉइंट है, मीन एक्स वाई जेड की वो वैल्यू है जी लाइन के उपर की लाई करती है। मान लो इतने लाई करूगी, ए के प्लस एक्स वन, बी के प्लस वाई वन, सी के प्लस जेड वन, इतने लाई कर रही, ठीक है। तो इन नाम देता अपना एम पॉइंट, ठीक है। सो इट मीन अपना डिस्टेंस ऑफ पी एम फाइंड करना है, बट हम अपना पॉइंट लभने हैं, ठीक है। आ भाई मीन ओवरऑल के दी वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो सेकंड स्टेप अपना हो चुका है, स्टेप स्टेप थर्ड क्यों होगा, स्टेप थर्ड देखो कि अपनी की लेंथ की परपेंडिकुलर है, तो आपने की है ए बी सी अपनी की है डायरेक्शन रेशो है, मतलब जी आल लाइन के उपर लाई करती है। डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी अपना की है, ए है बी है सी है ना, ठीक है। तो हम अपना आ जी लाइन है ये की है परपेंडिकुलर है। सो इट मीन जो आप पी एम के डायरेक्शन रेशो फाइंड करा तो फिर मतलब लाइन अपनी परपेंडिकुलर है। सो पी एम के अपन डायरेक्शन रेशो फाइंड करनी चाहिए है, पी एम के अपन डायरेक्शन रेशो फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि लाइना दोनों की है परपेंडिकुलर है। जे दोनों लाइना परपेंडिकुलर है तो एक्स अलेवन ए फॉर्मूला पढ़िया कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीपल डायरेक्शन रेशो ना करा तो फिर उन्होंने ऐड करा तो आंसर की है इज इक्वल टू जीरो रखा, क्यों रखा, क्योंकि लाइन अपने की है दोनों लाइना की है परपेंडिकुलर है। सो इट मीन पी एम के अपना की है डायरेक्शन रेशो फाइंड करा, ठीक है। स्टेप थर्ड की अपना फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम, ठीक है। सो ओके सो इट मीन डायरेक्शन रेशो पी एम क्यों फाइंड करेंगे कि पॉइंट देखो डायरेक्शन रेशो पी एम आप फाइंड करेंगे कि स्टेप सैकेंड वो पॉइंट की अपना माइनस कर देंगे गिवन पॉइंट, मतलब ए के प्लस एक्स वन माइनस अल्फा, मीन ए के प्लस एक्स वन माइनस अल्फा, बी के प्लस वाई वन माइनस बीटा, सी के प्लस जेड वन माइनस गामा। सो ये बन गई डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम। सो बेसिक अपना आ गल याद रखनी है, पहला लाइन के पुट करना है इज इक्वल टू, फिर एक्स वाई जी वैल्यू कढ़नी है वो पॉइंट एम बन जूगा, फिर पी एम की डायरेक्शन रेशो कढ़नी है, ओके। तो स्टेप नंबर फोर की अपना देखो लाइना की है परपेंडिकुलर है ना, जी परपेंडिकुलर है सो इट मीन डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम इंटू डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी इन दोवों की मल्टीपल इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, है ना। दैन फाइंड वैल्यू ऑफ के। सो मीन ये प्रॉपर तरीका याद रखने का, तो इन आप भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशो ऑफ स्टेप थर्ड एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ स्टेप थर्ड इंटू डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके भी लिख सकते हैं। सो ये तरीका बेस्ट है याद रखने का, ठीक है जी। तो स्टेप फाइव की है कि फाइंड के वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ के एंड पुट इन स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। तो जो आप के दी वैल्यू फाइंड करांगे तो सेकंड स्टेप विच पुट करांगे, दे तो अपने को की है देन वी गेट पॉइंट एम। तो के दी वैल्यू पुट करांगे तो अपने को की एम पॉइंट मिल जूगा। सो स्टेप सिक्स की होना ये फाइंड सॉल्व
पी एम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके सो ये छे स्टेप है इस टाइप फर्स्ट नू सॉल्व करने वास्ते। तो पहला स्टेप की है लाइन इक्वल टू की पुट करो, दूजा स्टेप की है एक्स वाई जेड की वैल्यू कटो, तीजा स्टेप की है इस लाइन की डायरेक्शन रेशो फाइंड करो, चौथा स्टेप की है इस लाइन की डायरेक्शन रेशो तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशो इन दोवों की मल्टीपली इज इक्वल टू जीरो करो, है ना। तो स्टेप नंबर फाइव की है तो डायरेक्शन रेशो अपना जो इज इक्वल टू जीरो करा, मल्टीप्लाई ऑफ डायरेक्शन रेशो इज इक्वल टू जीरो करा तो के की वैल्यू फाइंड करा, तो उन्होंने स्टेप नंबर सैकेंड में पुट कर दो, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अपलाई कर दो। सो यह की प्रॉपर मैथड है, ठीक है। सो जो टाइप फर्स्ट अपन समझ आ गई तो इस ही सेम यही छे स्टेप करने तो बाद टाइप सैकेंड भी सॉल्व होती है, ठीक है। सो टाइप सैकेंड देखो, जो टाइप सैकेंड आप बाद करा, ठीक है। सो फर्स्ट पर टाइप फर्स्ट पर की है ये मैथड याद करने हैं, तो हम आप सवाल कर दें, ठीक है। देखो